पहले 1988 में कैमरे से फोटो खींची, फिर अगले ही दिन ईमेल कर दी। ऐसी है देश के चौकीदार की असल कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक चाय वाले की है। ये शख्स पहले तो गली गली भटक कर चाय की केतली लेकर लोगों तक चाय पहुँचाने का काम किया करता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इस चाय वाले के पास इतना पैसा आ गया कि इसको अब पकौड़ों का स्वाद भी जच गया। इस चाय वाले को पकौड़ों का स्वाद इतना जचा कि उसने देश के लोगों से ही पकौड़े बेचने की बात कह डाली। चाहे वो MBA हो या चाहे फिर वो BBA हो, लेकिन उसे बेचने पकौड़े ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बात एक चाय वाले ने कही है। लेकिन इस चाय वाले की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी में असली ट्विस्ट तो आगे है। और वो बात यह है कि इस चाय वाले ने एक बहुत ही बड़े रहस्य का पर्दाफाश जो किया है। इसने एक ऐसे रहस्य पर्दा उठाया है जो शायद हमसे आज तक छुपाया गया था। यह रहस्य था एक डिजिटल कैमरे का। अभी तक तो हमें यही बताया गया था कि पहला डिजिटल कैमरा 1990 के दशक में मार्केट में आया था, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सब एक झूठ था। एक ऐसा झूठ जो आज तक हमसे छुपाया गया। बल्कि सच तो ये है कि पहला डिजिटल कैमरा मार्केट में 1987 और 88 के बीच आया था, और ये बात खुद देश के माननीय PM मोदी ने बताई है। और अगर देश के PM ने कुछ बताया है तो हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि देश का PM कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये चाय वाले की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।